जय बाबा मुकुंदराव सुरू करायचं का? अजून पालवेताई जॉईन नाही झालेल्या दिसत आहेत. हॅलो. हा हॅलो, हा तुम्ही कसं करू, काही हरकत नाही, त्यांना जॉईन होणार असेल 5 मिनिटं थांबायला, काही हरकत नाही. मी काही कॉल नाही करू शकत कारण मी मोबाईल वरून सुरू केले. मेहराला सांगतो करायला. हा मेहराला. हा म्हणजे नाहीतर आपण सुरू करून देऊ. चालू करा ना. चालू करू. हो मी तेच म्हणते की 5 वाजले. ठीक आहे, चालू करू. काय मी रेकॉर्डिंग सुरू केलेलं आहे. अच्छा अच्छा अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु की जय. मौनेश्वर मेहर भगवान की जय. ये जो टिफिन लेक्चर का सीरीज हमने शुरू किया है मेहर कृपाताई पालवे जी ने, तो ये बाबा का प्रसाद है. अभी तक उन्होंने बांटा, आज ये प्रसाद आपसे बांटने के लिए मुझे कहाँ गया है, और इसलिए हम आज देखने वाले हैं कि बाबा का तीसरा लेक्चर जो उन्होंने 19 और 20 मई को दिया है, एक 19 मई को दिया है 26 में, दूसरा 20 मई को दिया है. इसके पहले एक हफ्ता पहले हमने जो आखिरी लास्ट पैराग्राफ जो था उसका थोड़ा सा देखेंगे और फिर बाद में आज का हम शुरू करेंगे. ये जो सीरीज चालू किया है टिफिन लेक्चर्स की, इसके पहले हमारे प्रिय महेंद्र धंद्रे, इन्होंने इन्फिनिट इंटेलिजेंस ये महत्वपूर्ण किताब का रोज एक एक पेज देके एज इट इज इंग्लिश में जैसा था वैसा उसका हिंदी भाषांतर करते गए. उसमें पालवेताई भी सम्मिलित थी और उन्होंने जैसा हिंदी में दिया उस हिसाब से आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सोचा अभी कि उसी दौरान बाबा ने जो लेक्चर्स दिए थे उसका जो संकलन टिफिन लेक्चर्स के रूप में है, खास उन्होंने किताब खरीदी और बाबा प्रेमियों के साथ में शेयर करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है. ये टिफिन लेक्चर्स जो शुरू हुआ है, बार बार उन्होंने भी बताया कि 1926 में बाबा के शुरुआती जो मंडलीजन थे उनके सामने जैसा उनका
उत्स्फूर्तता थी उस हिसाब से किसी काम के दौरान या किसी शाहणे जी के घर में जब गुरुवार को सत्संग होता था, मोस्टली वहां जाके उनके उनको बताते थे कुछ गूढ़ चीजें आध्यात्मिक, उनको समझाते थे। और किसी ने वो डायरी बद्ध किए और उसका संकलन आज इसलिए हमारे सामने है। मेहर बाबा ने जो शुरुआती अपने मंडली जन थे उनकी तैयारी करने के लिए ये लेक्चर्स दिए हैं। अवतार का जो प्रमुख कार्य है, जो भाऊ जी ने जैसा बताया था, मेहर बाबा अवतार ऑफ द एज मैनिफेस्टिंग, उसमें कि उनके 122 जो मंडली जन है उनको ईश्वर साक्षात्कार के लिए तैयार कराना और साथ में उनको मुक्ति देना, उसके साथ अन्य जन जो उनके निकट के हैं उनको भी लिबरेशन देना। क्योंकि ये सभी लोग बाबा को मानते थे, उनकी श्रद्धा थी कि ये आध्यात्मिक सिद्ध हस्त पुरुष है, उनके गुरु उपासने महाराज है, लेकिन ये सदगुरु है या नहीं है उनके बारे में उनके पास में पूरा श्रद्धा नहीं थी, या थी भी तो वो ऊपरी तौर पर भेज गए। जैसा हमको भी मालूम, देखिए हम भी वैसे इतने ही भाग्यशाली है, बाबा ने ये सब चीज खुलकर हमको बताई इसलिए हम सदगुरु क्या है बोल सकते हैं। आज ये बात ये है, अदरवाइज हमारे दिमाग में, हमारे सोच में या हमारे पढ़ने में ये बातें कभी नहीं आती थी। तो बाबा का हमारे ऊपर जो प्यार है, मानवता के ऊपर जो है प्यार है, उन्होंने इन सब गुण हमारे साथ शेयर किए इसलिए हम आज वो बोल पाते हैं, सोच सकते हैं। नहीं तो हम कितना भी पढ़ते थे तो मज़्ज़ूब क्या है, सदगुरु क्या है, मस्त क्या है, अवतार क्या है, ये समझने से परे था। ये हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे जो समझने की हमारी जो क्षमता है उसमें बाबा ने बताने से आ गया है। उनको भी बाबा बताते थे कि मैं कितना भी बताऊं हजारों बार, ये रियलाइजेशन क्या है, साक्षात्कार क्या है, ईश्वरीय साक्षात्कार क्या है, स्वस्वरूप का साक्षात्कार क्या है, इट इज यूजलेस फॉर मी टू एक्सप्लेन फॉर यू टू रियलाइज ऑल ऑफ दिस विदाउट एक्चुअल पर्सनल एक्सपीरियंस। वैयक्तिक अपना अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक ये बातें समझने में आना मुश्किल है। फॉर इयर्स एंड इयर्स वन मे गो ऑन एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस टू यू, एंड फॉर इयर्स यू मे लिसन टू सच ए वन गिविंग दीज एक्सप्लेनेशंस। सालों साल बीत जाएंगे, कोई आपको ये बातें समझाते जाएगा या मैं भी आपको सुनाते जाऊंगा, एंड यू मे फॉर इयर्स यू मे गो ऑन रीडिंग वॉल्यूम्स अबाउट इट, किताबों के किताब आप पढ़ते जाएंगे, स्टिल यू वुड नॉट गेट इवन ए ग्लिम्स ऑफ एन आइडिया, फिर भी एक झलक भी इस सभी बात की आपको नहीं आएगी। नॉट इवन ए शेडो ऑफ ए शेडो, छाया की छाया भी आपको समझ में नहीं आएगी कि रियल एक्सपीरियंस क्या है, साक्षात्कार क्या है, वो अनुभव क्या होता है। दे कैन इट नेवर, यदि ऐसा चीज है तो बाबा खुद ही सवाल करते हैं, देन कैन इट नेवर बी अचीव्ड, क्या ये कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाबा बोलते हैं नॉट विदाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना खुद का वैयक्तिक अनुभव आने के बिना ये नहीं हो सकता। दिस परफेक्ट स्टेट इज अटेंड ओनली बाय वन आउट ऑफ मिलियंस, करोड़ों में से एक आध आदमी को ये परिपूर्ण अवस्था प्राप्त हो सकती है, एंड दैट टू ओनली थ्रू द ग्रेस ऑफ ए गॉड रियलाइज्ड गुरु, ईश्वर साक्षात्कारी जो गुरु है उसी के द्वारा, उसी के कृपा के द्वारा ये अनुभव आपको मिल सकता है। टू टॉक अबाउट एंड डिस्कस दिस नॉलेज एंड दिस एक्सपीरियंस विद द एड ऑफ ब्लैंक एंड वैक्यूअस फिलोसॉफी एंड ए सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ रिलीजन विदाउट हैविंग एक्चुअली एक्वायर्ड एंड रियलाइज दिस नॉलेज एंड दिस एक्सपीरियंस फॉर यूर सेल्फ इज नथिंग बट शेयर फॉली हम बक प्योर एंड सिंपल।
बाबा बोलते हैं ये सब चीजें बात करने का, उसकी चर्चा करने का, ये जो परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का अनुभव है, उसमें एक पोकड़ वैक्यूम रिक्त ऐसी तत्व ज्ञान लेके ऊपरी ऊपरी तौर पर धर्म के आधार पर ये ध्यान का चर्चा करना, जिसने इसका अनुभव किया है उसके बताने के बिना, ये एक मूर्खता होगी, पूरी प्योर शुद्ध मूर्खता। क्योंकि वो अनुभव एक दुर्मेय अनुभव है, और जो अनुभव उसको पाता है वही उसके बारे में बोल सकता है, उसको शब्द अवर्णनीय ऐसा अनुभव है। फिर भी मेहर बाबा ने अपने मंडली जन को ये सब बातें बताई। क्यों बताई? उनके द्वारा हमको भी बताई। वो खुद साक्षात्कारी थे, खुद अवतार थे। साक्षात्कारी मैं बोलते बोलते गलत बोल गया, खुद अवतार थे, खुद सत्य स्वरूप थे, सत्य स्वरूप है, फिर भी वो बता रहे। क्यों बता रहे? क्योंकि हमारी समझ बढ़ना चाहिए, हमारा आकलन बढ़ना, और हम उनके कार्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए। ये जो मंडली जन थे, बाद में कितनी उपयुक्त तो हुई बाबा के कार्य में, उन्होंने कितना सहभाग लिया। बाबा तो खुद अपना कार्य करने के लिए समर्थ है, लेकिन जो मस्तों का कार्य बाबा ने किया, या मंडली जन के का द्वारा, उन्होंने उनके आज्ञा पालन के द्वारा जो विशाल कार्य किया, उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। वो तैयारी करने के लिए, साक्षात्कार के लिए तैयार करने के लिए, समझ बढ़ने के लिए ये सब बातें बताई जा रही है। नहीं तो फिर क्या होता है, हमारा जो सीमित मन है, सीमित दिमाग है, हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति बड़ी कि ये छोटी, फिर ये साक्षात्कारी है या नहीं है, हमारे हिसाब से हम उसका मूल्य मापन करना चाहते हैं, और श्रद्धा हमारी कम ज्यादा हो जाती है। वो श्रद्धा पूरी बढ़नी चाहिए, हमारा प्यार बढ़ना चाहिए, बाबा के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये प्रेम ही ऐसा है कि बाबा हम पर प्रेम करते हैं, इसलिए हम बाबा पर प्रेम कर सकते हैं, और उन्होंने अपने प्रेम के द्वारा ये बातें बताई है ताकि हमारा दामन कभी छूटे ना किसी भी परिस्थिति में। और इसलिए ये सब, ये बैकग्राउंड में इसलिए विस्तार से बता रहा हूं जो मेरे दिमाग में आया। क्यों? क्योंकि फिर यदि हम एक जैसा है उसका पूर्ण विश्वास रखेंगे, तभी ये बातें समझ में आएंगी, तभी हमको कुछ प्रेरणा मिलेगी, और तभी हम आगे कार्य करते रहेंगे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। पिछले बार भी बाबा ने बोला था कि आप माया के गिरफ्त में मत आइए और लालच मत कीजिए। जितना आपको सांसारिक कार्य करना है कीजिए, जितना पैसा कमाना है कीजिए, लेकिन अपने जरूरत से ज्यादा पैसों के पीछे, संपत्ति के पीछे मत भागिए। इतनी माया इकट्ठा मत कीजिए जिससे आप अपना इंद्रियों का तुष्टीकरण करना चाहते हो। उसके जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देह जो मिला है, जो पांच इंद्रियों का जो अपना जो देह मिला है, इसका काम सिर्फ है एक चाय की प्याली जैसा साक्षात्कार देने के लिए। जैसा चाय की प्याली में हम चाय पीते हैं, चाय पीना हो गया, कप बाजू में रख देते हैं, उसी तरह ये शरीर जो हमको मिला है, ये सिर्फ साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए मिला है। इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, महत्व जरूर है, लेकिन चाय के प्याली के ज्यादा महत्व नहीं है। ये सामने पिछले बार देखा था, अभी आज 20 मई को ये देखा था हमने, ये बाबा ने लेक्चर दिया था 29 अप्रैल को, और आज का जो लेक्चर ये डायरी में लिखा गया है, उसकी तारीख है 19 मई 1926। उसका शुरुआती थोड़ा उन्होंने बताया कि सवेरे 10 बजे ये कंबाइंड डायरी में लिखा गया है कि बाबा वाटर टैंक जो अपने हिल में, बाबा वहां एकांतवास कर रहे थे, और वहां अपना किताब भी द बुक वहां लिखते थे। इस दौरान 10 बजे वहां से उतर कर नीचे मेहराबाद में आए, और कुछ खास मीटिंग अपने साथियों के साथ करने के बाद में सभी को बुलाया गया,
और मंडलीजन को ये जो तीन प्रकार के दैवी पुरुष है, सत्पुरुष है, इनके बारे में बाबा ने बताया। वो तीन पुरुष बाबा ने बताया, पहला है द विदेह मुक्त और मज्जुक, हु इज एब्सॉर्ब्ड इन सेल्फ रियलाइजेशन और द एक्सपीरियंस ऑफ इन्फिनिट नॉलेज एग्जिस्टेंस एंड ब्लिस, एंड हु इज कंप्लीटली एंड परफेक्टली अनअवेयर ऑफ ऑल द रेस्ट, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इंक्लूडिंग हिज ओन बॉडी। तो पहला जो दैवी पुरुष है उसको विदेह मुक्त बोला जाता है या मज्जुक बोला जाता है। वो अपने साक्षात्कार के, स्वस्वरूप के, आत्म साक्षात्कार के अनुभव में इतना डूबा हुआ रहता है कि वो अनुभव किसका, तो अपार ज्ञान, अपार विद्या, अपार अस्तित्व, अपार आनंद, और वो इतना उसमें एब्सॉर्ब या डूबा हुआ रहता है कि अगल बगल में क्या हो रहा है, ये जो कल्पना के भास से निर्मित जग है, दुनिया है, इंक्लूडिंग हिज ओन बॉडी, उसके खुद के शरीर भी उसमें सम्मिलित है, उसका उसको थोड़ा भी भान नहीं रहता है। उसको बोलते हैं विदेह मुक्त और मज्जुक। दूसरा है जीवन मुक्त और सलिक, हु आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, सिंस दीज आर द सेम थिंग, कम्स बैक डाउन टू द ग्रॉस प्लेन, रिगेन्स कॉन्शियसनेस ऑफ हिज ग्रॉस बॉडी एंड इमीजिएट ग्रॉस सराउंडिंग्स, बट डज नॉट टेक पार्ट इन ग्रॉस एक्टिविटीज। दूसरी जो दैवी व्यक्ति है, साक्षात्कारी व्यक्ति है, उसको जीवन मुक्त बोला जाता है या सूफीज्म में सलिक बोला जाता है, जो अपना आत्म साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार, जो दोनों एक ही चीज है, दोनों को एक ही अलग अलग तरीके से सिर्फ बोला जाता है, वो फिर से अपने स्थूल जगत में वापस चेतना में उसकी लौट आती है और अपने स्थूल देह का और अगल बगल के जो परिसर है, सराउंडिंग है, यूनिवर्स है, उसका भी उसको भान आता है। लेकिन इस सभी में वो एक सपने जैसे देखता है, उसमें वो सम्मिलित नहीं होता है या वो दैवी प्लान में कुछ काम नहीं करता है। तीसरा जो देवी पुरुष है उसको बोलते हैं द आचार्य और एडेप्ट और कुतुब, हु आफ्टर गॉड रियलाइजेशन नॉट ओनली रिगेन्स ग्रॉस कॉन्शियसनेस बट टेक्स अप द इनडिस्क्राइबेबल फंक्शंस इन्वॉल्व इन यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट टुवर्ड्स द ट्रुथ, एंड दस ही ब्रिंग्स अबाउट वास्ट चेंजेस इन द एंटायर यूनिवर्स। तीसरा जो देवी पुरुष है उसको बोलते हैं आचार्य, कुतुब और एडप्ट, और ये ईश्वर साक्षात्कार के बाद में स्थूल जगत का उसको चेतना फिर से वो उतर आता है। इतना ही नहीं तो अवर्णनीय ऐसे कार्य ये पूरे विश्व को, ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए, सत्य के प्रति उनका प्रवास करने के लिए जो अवर्णनीय कार्य है उसमें वो खुद सम्मिलित करता है, खुद को और कार्य भी करता है, और इसलिए बहुत सारे वास्ट विस्तार विस्तीर्ण ऐसे बदल पूरे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ले आता है। ये लेक्चर, ये तीन व्यक्ति जो है इन्हीं के बारे में दिया गया है, ऐसा वो डायरी में लिखा गया है। अभी एक्चुअल लेक्चर जो चालू हो गया है, इसकी पार्श्वभूमि है, इसमें एक फुट नोट में दिया है कि ये तीनों अवस्था गॉड स्पीक्स में और स्पष्ट रूप से बाबा ने 10 स्टेट्स ऑफ गॉड में आठवीं, नवीं और दसवीं जो अवस्था है उसमें ये दिया गया है। तो आठवीं अवस्था में जो अपना अंतिम ध्येय है ये पूरा उत्क्रांति का और री इंकारनेशन का, कि अपना वहां जाके सम्मिलित होना है, ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त करना है, वो अवस्था है मज्जुब की या ब्रह्मीभूत की। और उस अवस्था में जितने भी सद्गुरु या साक्षात्कारी पुरुष है, अवतार समेत सभी अपना भौतिक शरीर छोड़ने के बाद में विश्राम धाम, उनका निज धाम वो यही होता है, उसी आनंद में वो अपना बाकी का उनका विश्राम वहां लेते हैं। नवी अवस्था जो बोली गई है वो
तुरीयावस्था या उसके बीच में कभी पृथ्वी अपना ब्रह्मांड का ध्यान आता है, कभी अहम ब्रह्मास्मि का उनको ध्यान रहता है, ऐसा दोनों एक साथ साथ रहता है। उसमें दो बात ये है, एक परमहंस बोला गया है, एक जीवन मुक्त बोला गया है। परमहंस अवस्था में कभी कभी वो उसको सृष्टि की चेतना आती है अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव आने के बाद, कभी नहीं आती है। लेकिन जीवन मुक्त में पूरा का पूरा सृष्टि का भान चेतना उनको आती है। और तीसरी अवस्था जो अभी सदगुरु की है, वो परफेक्ट, सिर्फ 5 लोग ऐसे होते हैं हम सब जानते हैं, वो सदगुरु की अवस्था, वो अपने पूरे ब्रह्मांड में कार्य करती है। गॉड स्पीक्स ने इस टाइप से दिया है। तो बाबा यहाँ बोलते हैं कि लकी आर दोज दैट कम अक्रॉस द रियलाइज्ड वन, जो साक्षात्कारी व्यक्ति है उसका, जिनके जिनका पाला पड़ता है उसके साथ में, वो सब भाग्यशाली है। दोज यू हैव गुड फॉर्चून ऑफ हैविंग रियलाइज गॉड कैन बी सॉर्टेड इंटू 3 डिफरेंट क्लासेस। फिर से बाबा ने ये बताया है कि जिन्होंने ईश्वर को रियलाइज किया है वो ऐसे 3 लोग हैं। एक है मत्सुक, जो ब्रह्मांड से अनकॉन्शियस या अचेतन में रहते हैं। दूसरे सलिक, वो आर कॉन्शियस ऑफ बट इनडिफरेंट टूवर्ड्स द यूनिवर्स, वो बेफिक्र रहते हैं, सपने जैसा ये अपना ब्रह्मांड को देखते हैं, सलिक बोलते हैं। और तीसरे है आचार्य और सद्गुरु, वो अपने शरीर अपना अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था के साथ साथ में ये यूनिवर्स के प्रति उनका दायित्व होता है, सत्य के प्रति इनको ले जाने का दायित्व होता है। ऐसे 3 लोग हैं, इनके संपर्क में जो लोग आते हैं वो सही में सभी भाग्यशाली है। जस्ट एज वन बेनिफिट्स फ्रॉम ए सद्गुरु सहवास एंड नजर, दैट इज फ्रॉम कीपिंग हिज कंपनी एंड स्टेइंग नियर हिम, सिमिलरली वन बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनी ऑफ ए सलीक और मज़ूब। जैसा हम सब जानते हैं कि सद्गुरु का सहवास जिसको मिलता है या सद्गुरु की नजर जिस पर पड़ती है, वो जितना या उसके साथ में जो रहता है कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो, या उसके आसपास इर्द गिर्द वो जो रहता है, वो उसको जितना लाभ मिलता है वैसा ही लाभ उसको सलीक और मज़्ज़ूब के सहवास में भी मिलता है। यानी सदगुरु के साथ में रहने से जितने आपको आध्यात्मिक या भौतिक लाभ होते हैं, वो सभी ये गॉड रियलाइज्ड वन, ये दोनों तीनों जो लोग हैं, तीनों मज़्ज़ूब और सलीक, इनके साथ भी, या जीवन मुक्त और ब्रह्मीभूत, इनके साथ रहने से भी होता है। क्यों बाबा बोलते हैं, फॉर आर नॉट ऑल 3 ऑफ दिस रियलाइज्ड, आर दे नॉट गॉड पर्सनिफाइड, क्योंकि ये तीनों कार्य के द्वारा सिर्फ ये अलग अलग है, लेकिन चेतना में वो सर्वोच्च है। इसलिए वो तीनों के तीनों जब रियलाइज है तो नेचुरली उनके साथ जो भी व्यक्ति रहेगा उसको वैसा ही फायदा लाभ होगा। यहाँ ये सदगुरु के सहवास के एक कबीर का दोहा मुझे याद आ रहा है, जो हमारे गौरी शंकर जी दुबे बार बार बताते थे। एक घड़ी, आधी में पुनी आधी, कबीर संगत साधु की कटे कोटी अपराध। एक पल नहीं, एक पल का भी आधा पल, फिर बोलते नहीं उतना भी नहीं, उससे भी और आधा पल, उतना भी सहवास ऐसे साक्षात्कारी पुरुष का होता है तो कोटि कोटि अपराध हमारे नाश होते हैं। इतनी ये सदगुरु के सहवास की महिमा है, गॉड रियलाइज्ड के सहवास की महिमा है। फिर बाबा ये कहते हैं डायरी में, व्हेन वन स्टेज नियर और एक्चुअली लिव्स विद दिस गॉड रियलाइज्ड बींग्स, देयर स्पिरिचुअल हीट बर्न्स अप एंड डिस्ट्रॉयज द मटेरियल माया, दैट इज वंस संस्कारास। ये ऐसा क्यों होता है, उनका सहवास में ऐसा क्यों होता है, जो उनके कुछ क्षण भी रहते हैं ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति के साथ में, क्योंकि वो ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति की ऊर्जा या उनका तेज इतना प्रखर रहता है कि हमारी मटेरियल माया या हमारे संस्कार का वो दाह करके नष्ट कर देते हैं। सो दैट
इवन इफ वन डज नॉट सक्सीड इन गेनिंग एनी इमीडिएट मटेरियल एडवांटेज, द स्पिरिचुअल एडवांटेज इज नो लेस फॉर दैट। यदि मतलब ऐसे सहवास में ये हमारे संस्कार, कोट्यवधि संस्कार यदि नष्ट हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं, तो नेचुरली हम वो ईश्वरीय सत्य के प्रति अग्रसर होते हैं। तो इसलिए हमें कोई भौतिक लाभ यदि तुरंत यदि नहीं दिखाई पड़ता हो, फिर भी ये जो हमें जो समझ में नहीं आ रहा है, ये आध्यात्मिक लाभ जिसके लिए हमारा ये चाय का कप बना है, वो हमको जरूर मिलता है। एंड इफ वन परफॉर्म्स एनी सर्विस टू देम, इट्स फ्रूट इज वेरी ग्रेट इंडेड। अब सिर्फ सेवा से इतना होता है, यदि कोई उनकी सेवा करता है तो उसका फल निश्चित रूप से महान होता है। द मत्सुप्स फॉर देयर पार्ट वर्क इन ए कॉन्ट्रेरियन एंड अपेरेंटली आर्बिट्ररी मैनर। ये जो मज्जुब जो अपने मग्न रहते हैं ईश्वरीय आनंद में, अनंत आनंद में, वो जब ये मनुष्य लोगों के साथ में उनके आसपास लोग रहते हैं, तब ये विपरीत या ऊपरी तौर पर मनमाने हिसाब से रहते हैं। कभी एडमिनिस्ट्रिंग सडन बीटिंग एंड सिमिलर अब्यूज, कभी कभी अचानक वो किसी को मारने के लिए दौड़ते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं विदाउट एनी राइम और रीजन, किसी कारण के बिना वो किसी को प्रताड़ित करते हैं, शारीरिक प्रताड़ना भी देते हैं, गाली भी देते हैं। क्यों करते हैं ये किसी को समझ में नहीं आता है, बट टू रिसीव सच प्रसाद फ्रॉम देम दैट फॉल्स टू द लॉट ऑफ ओनली ए फ्यू, ओनली ए डेस्टाइंड फ्यू। बाबा कहते हैं कि उनसे ये जो प्रसाद है गाली का रूप में या किसी शारीरिक प्रताड़ना के रूप में, ये बहुत कम लोगों में, वो भी जिनके नसीब अच्छे रहते हैं, भाग्य अच्छे रहते हैं, उन्हीं को ये प्रसाद मिलता है। दैट फॉल्स टू द लॉट ऑफ ओनली फ्यू, ओनली ए डेस्टाइंड फ्यू, अटरली अनकॉन्शियस ऑफ देयर ग्रॉस बॉडीज दे वंडर अबाउट हियर एंड देयर, लाइंग इन द मड एंड डर्ट, वेयरिंग क्लोथ्स दैट आर नो बेटर देन फिल्दी रैग्स। तो ये जो मज्जुब जो है, ब्रह्मा ब्रह्मी भूत जो लोग हैं, जो उसमें आनंद में समाहित रहते हैं, उनको अपने स्थूल शरीर का अगल बगल का कुछ भी भान नहीं रहता है, इसलिए वो इधर उधर आते जाते रहते हैं, कीचड़ में पड़े रहते हैं, धूल में पड़े रहते हैं, उनके कपड़े भी किसी गंदे नाली में डूबे हुए इस टाइप से रहते हैं, येट फॉर ऑल दैट दे आर इंडीड गॉड रियलाइज्ड। क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी रहती है कि जो ईश्वरीय साक्षात्कारी व्यक्ति है वो तो एकदम दयावान होना चाहिए, उसका बर्ताव वैसा होना चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए, लेकिन ये जो साक्षात्कारी मत्सुब लोग है, जीवन मुक्त लोग है, वो तो वैसे दिखते नहीं है, उल्टा मारने के लिए दौड़ते हैं। ये हमारे समझ में नहीं आता है, तब जाके बाबा इसलिए समझा रहे हैं कि उनको जब स्थूल जगत का भान ही नहीं है, उनको सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त है, वो क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं कि गाली दे रहे, इतना भी उनको ख्याल नहीं है। तो हम उनके साथ में जरूर रहना चाहिए, ये सब बातों के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। येट फॉर ऑल दैट दे आर इंडीड गॉड रियलाइज्ड, हेंस द बेनिफिट दैट एक्रूज फ्रॉम कीपिंग देयर कंपनी, स्टेइंग विद देम एंड रेंडरिंग सर्व देम सर्विस इज ट्रेमेंडस। इसलिए उन्होंने कितना भी मारा, कितना भी गाली दिया, कितना भी गंदे रहे, फिर भी वो सही में ईश्वर साक्षात्कारी होते हैं। इसलिए उनके सहवास में रहने से, उनके साथ में रहने से, उनकी सेवा करने से जो लाभ होता है वो ट्रिमेंडस जबरदस्त रहता है। इवन सच एज दिस इट इज इंडीड पॉसिबल फॉर यू टू कम अक्रॉस, प्रोवाइडेड दैट योर संस्कारास एक्शंस एंड डिवोशन आर डिजर्विंग ऑफ सच रेयर कंपनी। ये किसी भी आदमी के संपर्क में नॉर्मली नहीं आते हैं, जब तक उसका उतने अच्छे संस्कार, उसकी पूंजी उसके पास होनी चाहिए, उसके कर्म इतने अच्छे होने चाहिए, उसकी भक्ति अच्छी होनी चाहिए,
तभी वो लायक बनते हैं उसके संपर्क में आने के। ऐसा कोई भी उसके संपर्क में नहीं आ सकता है। देन व्हाट टू से ऑफ द गुड फॉर्चून ऑफ दोज हु कम इन टू द कॉन्टैक्ट एंड गैदर अराउंड ए सदगुरु। सवाल करते हैं बाबा ये सभी लोगों से कि फिर उनके सुदैव की सुनसीब की कैसे हम कल्पना करें जो सदगुरु के पास आते हैं, जैसा वो अभी मेहर बाबा को मानते हैं। उन्हीं को संबोधित करते हुए बाबा बोल रहे हैं कि आप देखिए कितने भाग्यवान हैं कि एक लिविंग सदगुरु के आसपास रहने का आपको मौका मिल रहा है। आपको कल्पना नहीं है कि आपका भाग्य कितना महान है। व्हाट डू यू ऑल थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने खुद के बारे में तुम क्या सोच रहे हो। सही में हमारे लिए भी ये लागू होता है। सही में हम भाग्यशाली है कि हम बाबा के संपर्क में आए हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा बनी है। ये हमारे पुण्य कर्म का ही एक लाभ हमको मिला है। यह लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। छोटा सा था क्योंकि अभी तक बाबा ने इसके पहले के लेक्चर्स में योगी कैसे फर्स्ट प्लेन टू फोर्थ प्लेन आते हैं, यहाँ तक बताया था उनको जो खजीना मिलता है और वापस वो पत्थर योनि में कैसे जा सकते हैं, ये भी समझाया था। अभी ये साक्षात्कारी अवस्था कैसी होती है, और फिर भी ये लास्ट सेंटेंस इसलिए महत्वपूर्ण है, इसी में बाबा का उद्देश्य जो मैं शुरू में बोला था वो उसी के कारण समझ में आता है कि आप कितने भाग्यशाली है। आप यदि मुझे सदगुरु समझते हो तो मेरी अवस्था क्या है समझ लीजिए। मेरे कार्य के लिए बीच बीच में बाबा तब किसी को शारीरिक शिक्षा भी करते थे, गाली भी देते थे, अकारण देते थे। अब उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनका सहवास हमने छोड़ना नहीं है। फिर वो आगे के कार्य में बाबा के लिए उपयुक्त होते थे। ये पहला लेक्चर आज खत्म, यहाँ दूसरा होगा। दूसरा 20 मई 1926 से 19 मई को हुआ था, ये 20 मई गुरुवार को ये हो गया। ये गुरुवार का दोपहर के टी पार्ट के बाद में कंबाइंड डायरी में लिखा है, श्री ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द एक्सटर्नल साइंस ऑफ ए सदगुरुज इंटरनल वर्किंग। अब बाबा को तब ये लोग श्री भी बोलते थे कि उन्होंने बहुत सुंदर रीति से बाबा के जो बाह्य चिन्ह है सदगुरु के, इंटरनल बाबा के नहीं सदगुरु के आंतरिक कार्य के बाह्य चिन्ह क्या होते हैं उसके बारे में बाबा ने बताया। द राइट हैंड एंड द राइट लेग ऑफ ए मास्टर When brought into action, mean divine help towards God realization, or indeed God realization itself for the person. यदि कोई बाबा के संपर्क में आया या सदगुरु के संपर्क में आया, मुझे हर बार मेहर बाबा का ही नाम याद आता है। ये सदगुरु के संपर्क में कोई आया और सदगुरु ने अपना दाहिना हाथ या दाहिना पैर उसका कृति में या हलचल में हरकत में लाया, तो नेचुरली जो उनके संपर्क में है उसकी ईश्वरीय साक्षात्कार के प्रति प्रगति होती है डायरेक्ट, या उसको ईश्वर साक्षात्कार भी मिल सकता है। सिमिलरली द मोमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग स्पेल्स वर्ल्डली हैप्पीनेस और मिरेकल्स। यदि उनका बाया पैर या बाया हाथ कार्य करता है किसी के संपर्क में आने के बाद, तो चमत्कार और वर्ल्डली ये दुनियावी जो आनंद देने वाले चमत्कार है वो घटते हैं। देयर मिरेकल्स इन फैक्ट हैपन ऑटोमेटिकली थ्रू माया विथ रिस्पेक्ट टू दोज पर्संस हु हैव फेथ इन सदगुरु। जिनकी सदगुरु में श्रद्धा होती है उनको ये लेफ्ट हैंड बाएं हाथ और पैर से ये जो चमत्कार घटते हैं वो अपने आप जानबूझ के नहीं, माया के द्वारा ये घटित होते हैं। बट सच मिरेकल्स, आगे बाबा उसमें एक जोड़ते हैं, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू हैपन फॉर द मंडली सिंस द सदगुरु हिमसेल्फ वर्क्स ऑन देयर बिहाफ। ये जो भौतिक चमत्कार है ये मंडली जन के लिए नहीं है, ये सामान्य जो दुनिया में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है। इनके लिए चमत्कार कभी घटित सदगुरु नहीं करते हैं, क्योंकि सदगुरु खुद उनके लिए कार्य करते हैं। यहाँ पर एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस का फुटनोट उन्होंने दिया है, उसमें ऐसा बोला गया है कि जो सदगुरु रहता है उसकी सेवा भक्ति करना चाहिए, उसके दाहिने हाथ में
परमेश्वर निर्गुण निराकार परमेश्वर रहता है, बाएं हाथ में सगुण साकार ईश्वर रहता है। सगुण साकार ईश्वर को अपना कॉन्शियसनेस मालूम नहीं रहता है, सृष्टि का भान रहता है, इसलिए वो लेफ्ट हैंड में मायावी चमत्कार कर सकते हैं, और दाहिने हाथ में जो निर्गुण निराकार है उनको भी अपना खुद का भान नहीं रहता है, लेकिन वहां से आध्यात्मिक प्रगति सदगुरु को करनी रहती है तो दाहिने हाथ से करते हैं, चमत्कार दिखाने तो बाएं हाथ से करते हैं, लेकिन खुद सदगुरु करके किसी मंडली जन पर कार्य करना है तो अपने तरीके से कार्य करते हैं। अब ये आगे के बाद बाबा ने बताया है, एक यहाँ पर एक उर्दू उन्होंने कुछ पंक्ति बताई है, वो अपने समझ के बाहर है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो हम देखते हैं। दैट इज टू ट्रांसलेट इन द लिटरल सेंस, ही हु डज नॉट गिव अप हिज लाइफ डज नॉट, इसका ये पैराग्राफ का जो हेडिंग है वो दिया गया है गिविंग अप योर लाइफ, अपना जीवन का त्याग करना। इसके लिए एक कविता का उन्होंने यहाँ पर बताया है, बाद में बोलते हैं। दैट इज टू ट्रांसलेट इन लिटरल सेंस, ही हु डज नॉट गिव अप हिज लाइफ डज नॉट रीच हिज बिलव्ड गॉड। यानी पंक्ति का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपना जीवन समर्पित नहीं करता है वो अपने प्रियतम ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। व्हाट दिस मीन्स देन इज दैट फॉर दोज हु विश टू बिकम फ्री फ्रॉम दिस सीजलेस राउंड्स ऑफ डेथ्स एंड बर्थ्स, फॉर दोज हु वॉन्ट टू बिकम जीवन मुक्तास एंड टू एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ परमात्मा, फॉर सच पर्सन्स दिस गोल दे सीक कैनॉट बी अचीव एक्सेप्ट बाय गिविंग अप देयर लाइफ। यहाँ और विस्तार से बाबा बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि जो लोग ऐसी कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि ये जो निरंतर चलने वाले फेरे हैं जन्म मृत्यु से, इससे अपने को मुक्ति मिल जाए और हमको जीवन मुक्त होने का आनंद मिल जाए या परमात्मा के ईश्वरीय आनंद मिल जाए, ऐसी कामना करने वाले लोग जो है उनका ये ध्येय साध्य नहीं होगा जब तक वो अपना जीवन समर्पित नहीं करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ गिविंग, बाबा खुद सवाल करते हैं और जवाब भी देते हैं। बाबा पूछते हैं कि ये जीवन त्याग करने का मतलब क्या है। डज इट मीन जंपिंग आउट ऑफ ए रनिंग कार और कमिटिंग सुसाइड विथ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वायलेंस एंड टॉर्चर टू बॉडी। तो मजाक में बाबा, हंसी मजाक में सब समझाते हैं। बाबा बोलते हैं जीवन त्याग करना मतलब क्या है, चलती कार से छलांग लगा के आत्महत्या करना है क्या, अपना जान दे देना है, या किसी चाकू छुरे से या अपनी खुद पर कुछ एक यातना या जख्म करके खुद की शरीर को खत्म करना है, इसको जीवन का त्याग करना ऐसा होता है। नो नो नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा नहीं। टू गिव अप लाइफ मीन्स टू रिनाउंस मायास डिल्यूजन, अपना जीवन का त्याग करना मतलब ये माया का जो भ्रम है उसका त्याग करना। टू रिनाउंस फॉल्स इंप्रेशंस, ये झूठे संस्कार जो हमारे कॉन्शियसनेस पर चेतना पर जमे हुए हैं उसका त्याग करना। झूठे संस्कार कौन से, ऑफ द प्लेजर्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये जो भौतिक जगत है उसके सुख समृद्धि आनंद जो है इसका त्याग करना। नॉर्मली एक्सपीरियंस्ड एंड एंजॉयड थ्रू दिस ग्रॉस बॉडी एंड माइंड, ये जो प्लेजर्स जो नॉर्मली हम हमारे शरीर और मन द्वारा अनुभव करते हैं इनका त्याग करना। दस टू गिव अप लाइफ मीन्स टू डाई इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, इसलिए ये हमारा जीवन त्यागना मतलब मरना, सही में मरने के सही मायने में जीना। दैट इज टू सरेंडर टू ए सदगुरु, टू फॉल एट हिज फीट एंड गेट होल्ड ऑफ देम सो फर्मली एज नेवर टू लीव हिम। अपना जीवन त्यागना मतलब सही तरीके से मरना, मरना मतलब क्या, तो सदगुरु के चरणों पर समर्पित करना, उसके चरण पर ऐसे पक्का घट्ट पकड़ लेना, फास्ट होल्ड फास्ट इस दामन, कि कभी उसके चरण कमल अपने हाथों से छूटे नहीं। सदगुरु ने कैसा भी बर्ताव किया तो भी हमने सदगुरु के चरण कमल कभी
छोड़ने नहीं है, उसको बोलते हैं जीवन त्याग। अपने लिए जो जीता है, खुद के सुख समृद्धि आनंद के लिए जीता है, वो जीना मरने के बराबर है। और सही मायने में यदि मरना है तो अपना जीवन सद्गुरु के चरण कमल पर समर्पित करना है। फिर बाबा उदाहरण देते हैं, जस्ट लाइक दिस चप्पल्स ऑन योर फीट दैट गो वेर एवर द फीट गो एट वन मोमेंट। ये कैसे पक्के पकड़ के रहना है सदगुरु को, चप्पल जैसे, जैसे चप्पल आप अपने पैर में पहनते हैं और जहां भी पैर जाते हैं वहां चप्पल चली जाती है, उसी प्रकार जैसे आप यदि निकल रहे चप्पल पहन के इन टू ए किंग्स पैलेस एंड एट अनादर थ्रू द नरक एन एक्सक्रीमेंट वॉट एवर द सर्कमस्टांस द चप्पल्स ड्यूटी इज टू गो वेयर द फीट गो। यानी चप्पल जैसा कैसा, जैसे अपने पैर के साथ चप्पल बनी रहती है, आप राजा के महल में जाइए यानी सुख समृद्धि का आनंद लीजिए, या गंदगी में जिसको नरक बोल सकते हैं जहां मैला फैला रहता है वहां भी हम चप्पल पहन के जाते हैं, लेकिन वो चप्पल अपने पैर को कभी छोड़ती नहीं है। किसी भी स्थित में चप्पल की ड्यूटी है कि पैर का साथ देना, ये पैर छोड़ना नहीं। वो पैर जैसी चप्पल छोड़ती नहीं, वैसे सदगुरु के पैर आप चप्पल के मुताबिक पकड़ के रखो। नॉट ओनली दिस बट द चप्पल शुड स्टिक टू द फीट सो स्ट्रांगली एज इवेंचुअली टू बिकम वन विथ, यानी ये चप्पल इतनी पक्की पकड़ रखना चाहिए वो पैर की कि कुछ समय के बाद जहां जाती है वहां तो जाएगी जाएगी, बाद में वो पैर के साथ एक रूप हो जाए, एक जीव हो जाए। चप्पल कौन सी, पैर कौन सा, समझ में ना आए। द चप्पल शुड एक्चुअली मर्ज विद द फिट फॉरसेकिंग देयर प्रेजेंट नेम एंड एग्जिस्टेंस एज चप्पल्स और फुटवेयर। तो चप्पल ने इतना उसमें समर्पित होना है, उतना उसमें घुल मिल जाना है पैर के साथ में, कि ये चप्पल नाम भी नहीं रहना चाहिए और चप्पल का अस्तित्व ही दिखना नहीं चाहिए। चप्पल का नाम भी नहीं, चप्पल का अस्तित्व नहीं, अपना पूरा नाम अस्तित्व पूरा का पूरा वो सदगुरु के पैर में हमको मिला देना है, मर्ज करना है। इन द सेम वे देखिए बाबा इतने सटीक उदाहरण देते, पैर के लिए पैर का उदाहरण दिया और मंडली जन को बताया कि मेरे पैर कभी छोड़ो मत, कहीं भी मैं जाऊं वहां मेरे साथ आना है। इन द सेम वे वन शुड स्टिक टू द गुरु बाय गिविंग अप ऑल मटेरियल प्लेजर्स ईज रेस्ट एंड सो फोर्थ एंड बाय कीपिंग अलोफ फ्रॉम एंड अवॉइडिंग द इंड्यूसमेंट एंड अल्यूरमेंट ऑफ माया एंड डेट टू इन स्पाइट ऑफ गेटिंग किक्स फ्रॉम द गुरु इवन वाइल स्टिकिंग टू हिम। बाबा ने बताया है गुरु के साथ में ये अपने सब भौतिक आनंद आराम विश्राम जितने भी सुख सुविधा है चैन है ये सब छोड़ के भी उनके साथ में रहना है। बाय कीपिंग अलूफ फ्रॉम, और किसने लालच दिया, किसने कुछ प्रलोभन दिया, कौन देगा लालच और प्रलोभन, माया। माया कौन, अपने संस्कार। ये हमको कभी कभी बोलते जाने दो ना, थोड़ी देर के लिए तो है, बाकी तो मैं हूं बाबा के साथ में, थोड़ी देर के लिए तो मैं अपने नॉर्मल लाइफ जीऊं उसका आनंद उठाऊं, इसको भी छोड़ना है। कब, बाबा ने बताया कि ये गुरु को चिपक के रहने के बाद भी गुरु आपको लताड़ सकता है, किक मार सकता है, फिर भी आपने उसके पैर छोड़ना नहीं है, लालच और प्रलोभन के सामने वश नहीं होना है। माइंड यू, ध्यान दीजिए, टू सरेंडर एंड स्टिक टू गुरु मीन्स नॉट मेयरली टू शो ऑफ एंड प्रिटेंड टू विजडम बाय टेकिंग हिज सैकर दर्शन 24 टाइम्स ए डे। बाबा और क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए पूरी तरीके से, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान तो सभी दे रहे लेकिन बोल्ड कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं कि आपका जो समर्पण है, सरेंडर है और गुरु को चिपक के रहना है, इसका मतलब मेरे पास, मैं बहुत ज्ञानी हूँ ऐसा ढोंग करके उसके पवित्र दर्शन बार बार लेना, 24 घंटों लेना, ऐसा उसका मतलब नहीं। उसके सन्निध्य रहना मतलब उसके पास रह के उसका पवित्र दर्शन लेना 24 घंटे, कुछ काम नहीं करना, ऐसा उसका मतलब नहीं। नहीं, नॉट डेट, बट रादर
स्टिकिंग टू द गुरु मीन्स स्ट्रिक्टली ओबेइंग हिज ऑर्डर्स एंड गेटिंग हिज एवरी वर्ड कैरिड आउट। गुरु को चिपक के रहने का मतलब है कि उसकी जो आज्ञा है उसको चिपक के रहना है, उसका हर एक शब्द नीचे नहीं गिरने देना है, उसकी अनुपालना करना है। वो करना मतलब समर्पण करना है, चप्पल जैसा रहना है, ना कि उसके चेहरे के सामने, व्यक्तित्व के सामने 24 घंटे रहना है। टू लिव विदाउट एनी थॉट ऑफ सेल्फ, टू लिव सेल्फलेसली मीन्स टू डाई ए लिविंग डेथ। फिर ये कैसा जीना रहता है बाबा हमको समझा रहे, मेरे साथ जीना है तो ये देखिए ऐसा करना पड़ता है कि यदि खुद का विचार नहीं, ख्याल नहीं, और निस्वार्थ रूप से यदि मुझे किसी में रहना है तो जीते जी मरने जैसा जीना है। द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल डिजायर्स, ये मृत्यु और नाश किसका, सभी इच्छाओं का, आकांक्षाओं का, थॉट्स एंड द माइंड इटसेल्फ, इसका मृत्यु, अपने विचार का, डिजायर का, इच्छाओं का और मन का, अल्टीमेटली मनोनाश। और ये मनोनाश ही इसका डिस्ट्रक्शन ही मतलब मेरा अपना खुद का जीवन बाबा के प्रति समर्पित करना। उदाहरण दे के लेकिन सही मायने में बताया, 2400 घंटे अभिषेक करके, 2400 घंटे भगवान के सामने ध्यान लगा के नमस्कार की मुद्रा में बैठे रहना नहीं है, तो ये सब चीज बाबा ने उनको बारीकी से बताई, मेरे साथ रहना है, सदगुरु के साथ रहना है तो ये सब करना होगा। और मंडली जन ने किया है, हमने देखा है, बाबा ने उनसे करवाया है, और इसलिए उनकी लीला आज हमारे सामने जीवित शब्द बन के आ रही है। ये सिर्फ पाखंड या जो पोकड़ जिसको बोलते हैं, खाली तत्व ज्ञान नहीं है, ये लोगों ने जिया है और लोगों ने पाया है। एनिहिलेटिंग संस्कार टू एनोलॉजी, अभी ये संस्कारों का जो नाश करना है उसके बाबा ने दो उदाहरण दिए है, समर्पक उदाहरण दिए है। यू पीपल डाई 1000 deaths एंड डिस्पाइट दैट यू स्टे वेयर यू आर एंड डू नॉट प्रोग्रेस। आप जो लोग है, सामान्य लोग, आप लोग है ना, हजारों बार आप मरते हैं और उसके बाद भी आपका कुछ भी प्रगति प्रोग्रेस होता नहीं है। यू कंटिन्यू टू गेट कॉट caught up in the ceaseless rounds of birth and death because you continue to mistake the teacup which is the sadhan or means for the tea itself। aap ye nirantar janm mrityu ke phere mein jo lage rehte hain, phase hue hain, iska karan ye hai ki aap, aapka jo ye chai ka cup hai, jo sirf sadhan hai, jo sharir hai, usko aap chai samajhte hain, which is the real and original, जो सही और मूल है उसको छोड़ के अपने शरीर की देखभाल में लगे रहते हैं, उसी के सुख सुविधा में, चैन में लगे रहते हैं, इसलिए निरंतर जन्म मृत्यु के फेरे में आप पड़े रहते हैं। That is, you take this body of yours and this life you lead to be truth and real existence। ये शरीर और ये जीवन यही सच है, इसी जन्म में देखो हम बोलते हैं ना, आगे का किसने देखा है, हम नेचुरली वो ही बाबा ने पकड़ लिया है कि ये हम बोलते हैं आज क्या क्या है, ये जीवन का अगले जन्म का किसने देखा, बात का किसने देखा, पहले का किसने देखा, अभी एंजॉय कर लो। बाबा बोलते हैं जो सही है सिर्फ पहली है वो सही नहीं, रियल एग्जिस्टेंस के पास चाहिए। वेयर एज इन एक्चुअलिटी दिस बॉडी इज ओनली ए मीडियम फॉर एडवांसमेंट टूवर्ड्स द गोल ऑफ ट्रुथ, ये सिर्फ साधन है, क्योंकि इसके बिना हम वो सत्य के पास प्रगति नहीं कर सकते। ये स्थूल देह चाहिए तभी हमारा कॉन्शियसनेस, चेतना की प्रगति, आगे में संस्कारों का विनाश हो सकता है। ऑल दिस मिस्चिप इज कॉज्ड बाय दोज डेविलिश संस्कार्स, हम इतना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते, क्यों, ये जो शरारती संस्कार है ना, राक्षसी संस्कार, ये आड़े आते हैं आपके, इसलिए आप अपने सही रास्ते पे नहीं जा पाते हैं। गेट यूर सेल्फ फ्रीड फ्रॉम द बाइंडिंग्स ऑफ द संस्कारास एंड यू विल फाइंड खुदा, ये संस्कारों के बंधन से खुद को छोड़ दो, छुड़ा लो, और फिर आपको खुदा दिखेगा। यू विल रियलाइज गॉड, आपको
ईश्वरी साक्षात्कार होगा। ऑल दिस बिजनेस ऑफ यूअर डाइंग एंड टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन इज लाइक टियरिंग ऑफ ओल्ड कोट्स व्हाइल द टेलर वामन स्यूज एंड प्रिपेयर्स न्यू कोट्स फॉर यू। तो ये जो निरंतर आप जन्म लेते हैं मरते हैं, ये इसका यदि उदाहरण चाहिए तो ये हमारा जो शिम्पी है टेलर वहाँ का, मेरा बाद वामन, वो तो आपके लिए जब आपके पुराने कोट फटते हैं तो नए कोट आपके लिए बनाता है, उसी टाइप से है। कोट हियर सिग्निफाइज द बॉडी एंड टेलर रिप्रेजेंट्स द संस्कार। ये कोट क्या है? तो ये हमारा शरीर है, और ये सिलाने वाला कौन है नया कोट? तो हमारे संस्कार है। ये संस्कारों का मोल्ड ही हमारा नया शरीर हमको देता है। नो सूनर हैज वन कोट बीन टॉर्न ऑफ देन द टेलर प्रोसीड्स टू प्रिपेयर अ न्यू वन। ये टेलर अपना धंधा देखता ही रहता है, किसी अपने ग्राहक का पुराना कमीज या कोट फट गया तो तुरंत वो नया देता। वैसे ये संस्कार भी वैसे करते हैं। इन द जस्ट सेम वे व्हेन योर बॉडी फॉल्स टू डिस्ट्रक्शन एट डेथ योर संस्कार आज मोल्ड एंड शेप ए रिप्लेसमेंट। उसी तरीके से अपना शरीर जब मृत्यु के समय उसका ये स्थूल शरीर का नाश होता है तो ये संस्कार अपने आप को फिर से दूसरे आकार में ढाल देते हैं और दूसरा कोट आपके लिए तैयार रखते हैं। टू ब्रिंग दिस प्रोसेस ऑफ स्विंग एंड डिस्ट्रॉइंग, नया कोट सिलाना और उसका फट जाना, टू एन एंड फॉर वंस एंड फॉर ऑल, देयर बाय द बेली ऑफ द टेलर मस्ट बी स्प्लिट ओपन एंड कट टू पीसेस। यदि ये नया कोट सिलाना, पुराना फट जाना, फिर से नया सिलाना, यदि ये प्रोसेस को यदि आपको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक टेलर जो है ना, इसका पेट फाड़ना पड़ेगा, पेट फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा, फिर से वो नया कोट ना सिले सिलाए हमारे लिए। दैट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज द संस्कार मस्ट बी स्लाइस्ड अप एंड डिस्ट्रॉयड। यानी ये जो टेलर यानी जो संस्कार है उसी को हमको काट काट के नाश करना है। फॉर ऑल दिस मिसचीफ रिजल्ट्स फ्रॉम दिस संस्कार, क्योंकि ये खुद को चाय समझना, चाय के पहले में ये जो शरारत है ये संस्कार के कारण आती है, विच हैव देयरफॉर टू बी गॉटन रीड ऑफ। इसलिए इससे हमको मुक्ति पाना है। एंड हाउ टू डू दिस, ये पाना है तो ठीक है लेकिन कैसे? टेक एज अनदर एनालॉजी, बाबा एक दूसरा उदाहरण देते हैं। ए बॉल ऑफ स्ट्रिंग एंड इट्स कॉइलिंग्स, एट फर्स्ट द वाइंडिंग प्रोसेस क्रिएट्स नेचुरल कुदरती लूप्स एंड नॉट्स आड़ा एंड गाट एंड डीज आर लाइक संस्कार। अब दूसरा उदाहरण बाबा ने दिया, ये लोग खेल खेलते थे, चेंडू बॉल के साथ खेलते थे, बॉल कब रबर या लेदर का नहीं होता था। आप जानते होंगे, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि ये जो कड़क धागा जो रहता था, मजबूत धागा जो रहता था, उसको गाट गाट मार के एक पत्थर के ऊपर में राउंडिंग करते थे, फिर गाठ मारते थे, फिर एक राउंड मारते थे, फिर गाठ मारते थे, फिर एक राउंड, ऐसा करते करते उसका आकार बढ़ाते थे और वो खेलते थे। तो बाबा बोलते हैं ये जो बॉल है ये सब संस्कारा जैसा है कि ये नेचुरली एट फर्स्ट द वाइंडिंग प्रोसेस क्रिएट्स नेचुरल लूप्स। ये जो शुरू से पत्थर से हम मनुष्य रूप तब आते हैं, तब तक बॉल का साइज जो बढ़ता है चेतना का, उसमें नेचुरली ये लूप बढ़ते जाते हैं। द ट्विस्ट एंड नॉट्स पुट द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग सेल्फ इनटू ए क्वांड्री पजलमेंट। द ओरिजिनल धागा जो है वो सीधा साधा था, वो बॉल के रूप में नहीं था, तो वो उसको ये गठान मार के उसको एक चक्कर लगा के पत्थर के ऊपर में ये उसको अपना खुद का जो मैं सीधा एक सिंपल धागा था ये भूल जाता है, वो एक पजल में पड़ता है कि सही में ये सीधा धागा मैं हूँ या ये बॉल मैं हूँ। इंस्टेड ऑफ डाइवर्स एंड कॉन्सेंट्रेट इट्स माइंड ऑन दोज वेरी कॉइल्स एंड नॉट्स दैट संस्कारास हैव क्रिएटेड। गाठ के जो संस्कार है वो जो बॉल तैयार करते हैं वो धागे को लगता है मैं ये बॉल ही हूँ, जो गाठ है ये जो लूप्स है यही मैं हूँ, मैं धागा नहीं हूँ। नाउ टू रिवर्स एंड अनविंड दिस कॉइल्स, अभी ये सब गाठ गठान जो पड़ी है इसको यदि खोलना है और उसको उल्टा सीधा धागा बनाना है तो क्या होगा? समवन मस्ट टेक होल्ड ऑफ द स्ट्रिंग
और हैंडकरचीफ इफ वन वांट्स टू यूज दिस एज एन इलस्ट्रेशन, यदि किसी को छोड़ना है तो वो बॉल को किसी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अभी गठान, यदि बाबा ने बोला यदि धागा का उदाहरण आपने लिया तो उसके लिए, या कोई चाहता है कि नहीं मैं धागा का उदाहरण और उसके गांठ का मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो हाथ रुमाल जो अपना हैंडकरचीफ रहता है उसी को गठान मारते मारते वो गठान जो है उसका बॉल बनता है। आप उसका उदाहरण लीजिए, लेकिन उसकी गठान भी तो छोड़नी पड़ेगी, उसकी गांठ भी तो छोड़नी पड़ेगी। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप एंड सोर्स ऑफ ऑल द कॉइलिंग एंड देन वाइंड बैकवर्ड्स, यानी सबसे आखिरी की जो गांठ है वहां से छुड़ाते छुड़ाते जहां से गांठ मारने का सिलसिला चालू हुआ वहां तक, सो दैट ऑल द टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड लूप्स इन द स्ट्रिंग डिसअपीयर ऑटोमेटिकली। तो ये धागे के शुरू से जो जितने भी गांठें बनी थी वो पूरी की पूरी काट के छोड़ के निकल जाएगी वन बाय वन, धीरे धीरे प्रोसेस है, एक के बाद एक, एक साथ पूरी गठान करेंगे तो बहुत तकलीफ होगी, धागा कटने की नौबत आएगी या धागा कमजोर पड़ेगा, अगली गांठ निकाले या ना निकाले ऐसा संभ्रम तैयार होगा। द मोमेंट दैट ऑल द कॉइल्स आर अनवॉन्ड द स्ट्रिंग रियलाइज इट सेल्फ, आई एम द स्ट्रिंग एंड आई एम फ्री। फिर क्या होता है, ये सब गठान जब छुट्टी है तो ये धागा बोलता है चलो मैं अभी खुला हो गया, मैं फिर से मेरा मूल रूप मुझे प्राप्त हुआ। ओरिजिनली द स्ट्रिंग हैड नो नॉलेज ऑफ इट्स फ्रीडम, शुरू में धागे को मैं धागा हूँ इसका भी भान नहीं रहता, ये स्वतंत्रता का उसको नॉलेज नहीं था, चेतना नहीं थी। दिस एक्सपीरियंस इट एक्वायर्ड बाय गेटिंग इट सेल्फ कॉट इन द ग्रिप एंड बाइंडिंग ऑफ द टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड कॉइल्स। तो ये जो उसका अनुभव कब मिला कि वो उसके पकड़ में आया, किसके बंधनों के, उन किसके बंधन, तो जो मरोड़ना है कॉइल उसको बांधना है गठान बांधना है, उसके अनुभव के बाद उसके अपने सीधेपन का एहसास हुआ। बट व्हेन फ्री फ्रॉम द कॉइल्स इमीजिएटली इट रियलाइजेस दैट इट वाज एज फ्री ओरिजिनली एज इट इज नाउ, लेकिन अभी उसको एहसास हुआ मैं जैसा शुरू में था ऐसा फिर से हो गया हूँ, विथ ओनली दिस डिफरेंस, एक ही फर्क उसके साथ हो गया दैट नाउ इट नोज इट्स स्टेट, अभी उसकी मैं सीधा धागा हूँ ये अवस्था का एहसास अनुभव उसको मिला। वेयर एज ओरिजिनली इट डिड नॉट, लेकिन शुरू में उसको ये अनुभव नहीं था। एज वी हैव सेड द अनवाइंडिंग कैन बी अकम्पलिश्ड इफ द बॉल ऑफ स्ट्रिंग इज हेल्ड फ्रॉम द टॉप वेयर द कॉइल्स बिगिन, जैसा पहले बताया गया बाबा बोल रहे हैं कि ये अनवाइंडिंग या उसका उल्टा खोलना कब संभव हो रहा है, किसी ने उसके ऊपर की गांठ को पकड़ा तब। द वाइंडिंग प्रोसेस हैज टू बी डन इन रिवर्स फ्रॉम द पॉइंट, यानी जिस जगह से आखिरी गांठ पड़ी उसी वहां से उसको खोलना शुरू करना पड़ता है। एंड हु इज इट हु डज ग्रास्प द स्ट्रिंग और हैंडकरचीफ फ्रॉम द टॉप वेयर द ट्विस्ट एंड कॉइल्स ओरिजिनेट, ये कौन है जो पकड़ के छोड़ता है एंड टर्न्स एंड वाइंड्स इन द रिवर्स डायरेक्शन और उसको उल्टे में उसको खोलते जाता है, इट इज द गुरु हु डज सो, ये गुरु ही ये कार्य करता है। द मोमेंट योर स्ट्रिंग कम्स इन टू हिज हैंड्स द ड्यूटी ऑफ अनरेवलिंग द वेरियस नॉट्स एंड ट्विस्ट एंड कॉइल्स इन इट फॉल्स ऑन हिज हेड, जब भी ये अपना गेंद अपना बॉल उसके हाथ में पड़ जाता है तो वो अपने आप खुद का दायित्व समझता है कि ये हमारे पास ऊपर जो संस्कारों की गांठें या ट्विस्ट या मरोड़ पड़ी है उसको खोलना, वो खुद ही अपने आप ये दायित्व अपने सिर पर लेता है, हमको कुछ भी नहीं, वो धागे को कुछ भी नहीं करना पड़ता। इन अदर वर्ड्स वंस यू सरेंडर योर सेल्फ टू ए सदगुरु यू आर श्योर टू प्रोग्रेस एंड एडवांस टूवर्ड्स रियलाइजेशन अलॉन्ग द मुक्ति मार्ग विच इज द वे टू विन फ्रीडम फ्रॉम द सीजलेस राउंड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यदि आप समर्पित होते हैं सदगुरु को तो आपका जो आगे का उद्धार या प्रगति है मुक्ति मार्ग के ऊपर जाने की साक्षात्कार पाने की, ये निरंतर चलने वाले जन्म मृत्यु के फेरे उनसे पाने उनसे स्वतंत्रता मुक्ति पाने की ये तब शुरू हो जाती है।
नो, अभी एक उदाहरण बाबा ने दिया, एक और उदाहरण है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। दूसरा उदाहरण बाबा ने ऐसा दिया उनको, गेंद का भी दिया, चप्पल का भी दिया, और तीसरा अभी समर्पण के लिए, संस्कारों के लिए तीसरा उदाहरण दिया। लेट अस टेक अनादर सिमिली। सपोज यू आर ड्रीमिंग एंड इन दैट ड्रीम स्टेट यू आर एंजॉइंग ए फाइन ड्राइव इन ए मोटर कार इन अमेरिका। देखो बाबा भी उनको हंसी मजाक में उनको उनके कल्पना शक्ति को भरारी देते हैं कि आप भी कल्पना कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि आप सपने में नहीं, आपने को सपने में भी कार नहीं आती, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप सपना देखिए कि आप एक ऐसे सपने में हो कि अमेरिका देश से, क्योंकि तब अमेरिका में ही फोर्ड और बाकी कंपनियों की कारें आई थी, तो वहाँ की एक पॉश कार में आप अमेरिका में कार चला रहे हैं, ऐसा सपना आपको आया। माइंड यू ऑल दिस एंजॉयमेंट इज इन इमेजिनरी ड्रीम, एक कल्पना रूपी स्वप्न में ये आनंद है, ये ध्यान रखिए। नाउ टेक दिस ड्रीम टू रिप्रेजेंट ऑर्डिनरी और राइट साइड अप और ऑवर संस्कार, सुलट संस्कार बाबा ने बोला। ये संस्कारों के चलते हम आनंद लेते हैं, प्लेजर लेते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, यहाँ का मजा लेते हैं, तो ये सीधे तरीके से जो हमें संस्कार पिछले जन्म के मिले हैं उसके कारण हमें आनंद भोगते हैं, ये कार का राइड आप उसी तरीके से लीजिए, ऐसा बाबा उनको समझा रहे हैं। जस्ट एज देर इज ए नीड ऑफ इन्वर्टेड और रिवर्स उलट संस्कार फॉर रियलाइजेशन इन द सेम वे टू ब्रिंग यू इन टू द अवेक स्टेट एंड टू प्रूव द फॉल्सनेस ऑफ योर ड्रीम स्टेट रिवर्स ड्रीम्स आर रिक्वायर्ड। क्या बोलते बाबा, आप जब आनंद में रहते हैं तो हमको ना गॉड रियलाइजेशन सूझता है ना सदगुरु, हम अपने मस्ती में मस्त मजा लेते रहते हैं, तो बाबा बोलते हैं लेकिन ये तो चलेगा नहीं, इसको उल्टा जब करेंगे तभी हम साक्षात्कार के सामने में, सत्य के प्रगति के सामने में जा सकेंगे। तो वो ये तो सीधा संस्कार तो बहुत आसान है, इसके लिए करने के लिए अभी उल्टा संस्कार भी, तभी ये ड्रीम स्टेट झूठी है समझ में आएगा, ये स्वप्नवत है, भासमय है। कब समझ में आएगा? जब हमको ये प्लेजर देने वाला ड्रीम के उल्टा सपना आएगा, रिवर्स ड्रीम्स आर रिक्वायर्ड। उल्टे सपने यानी सपने ही, लेकिन जो आनंद नहीं देने वाले, ऐसे सपने की जरूरत पड़ेगी, सच एज टू वेक अप यू इमिजिएटली। क्योंकि जब ये ऐसा दुख देने वाला सपना आता है ना, आदमी पसीना पसीना होके तुरंत उठता है। सुख चैन वाले सपने रहे तो थोड़ी आग भी खुल गई तो फिर भी सुस्ता रहता है आदमी और आगे उसको बढ़ाता है, लेकिन जैसा दुखदायक कुछ एक सपना आता है तुरंत उठता है और तब उसको समझता है ये सुख और दुख ये दोनों भासमय है, स्वप्नवत है। एंड व्हाट वुड सच ए रिवर्स और उलट ड्रीम लुक लाइक? तो ये उल्टा ड्रीम, उलट ही बाबा ने बोला इंग्लिश में भी, ये उलट ड्रीम कैसा कैसा दिखता है, कैसा होता है? वाइट द कॉन्ट्ररी और अपोजिट ऑफ द ड्रीम यू आर हैविंग बिफोर। ये अमेरिका के रास्ते में नई पॉश कार चलाने के ड्रीम के विपरीत ड्रीम होता है, क्वाइट द कॉन्ट्ररी। जस्ट एज यू वेर एंजॉइंग इमेजिनरी प्लेजर इन द ड्रीम ऑफ द मोटर कार ड्राइव इन योर न्यू ड्रीम, यू हैव टू एक्सपीरियंस द अपोजिट। ये नए सपने में आपको उस आनंद के अनुभूति के विपरीत सपना देखना होगा। यू हैव टू एनकाउंटर सम ड्रेडफुल ऑब्जेक्ट दैट इन ए मोमेंट वुड जॉल्ट यू फ्रॉम योर स्लम्बर एंड स्ट्राइक टेरर इन योर हार्ट। यानी उसको यदि इनकाउंटर, उसको यदि उल्टा यदि करना है तो इतना भयावह आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, कुछ वस्तु दिखनी चाहिए कि आप अपने सुस्ती से धार से एकदम उठ के खड़े हो जाए, आपके मन मस्तिष्क में इतना जोरदार आघात हो जाए कि आप एकदम खड़े हो जाए। तो किससे आप खड़े हो सकते हैं? या अपना स्लंबर सुस्ती से बाहर निकलते हैं, सजेज इनोरमस राक्षस, अजगर और ड्रैगन। किसी राक्षस यदि आपको सपने में दिखता है, एनाकोंडा जैसा कोई ड्रैगन दिखता है, तो आप तुरंत उठ के, आपको खाने के लिए दौड़ता है तो तुरंत उठ के खड़े जाते। द मियर साइट ऑफ विच वुड मेक योर आईज पॉप अप वाइड वेकफुल अमेजमेंट। आग बाहर निकल के आएगी बाबा बोलते, उनकी मजाक लेके, सिर्फ आप नींद से उठेंगे नहीं तो डर के मारे इतना आप सजग हो जाएंगे कि आग बाहर निकल आएंगे आपकी। एंड वंस यू वॉक
यू वुड फाइंड दैट देर इज निदर दिस ड्रीम नॉर दैट वन। और ऐसी जब पूर्ण जागृति सजगता आएगी तब तो आपको समझ में आएगा, हाँ चलो छूट गया मैं राक्षस के चंगुल से, लेकिन ये भी झूठा था, वो कार भी झूठी थी, और ये मैं अभी जाग गया हूँ, यही सही है। नीदर द फन नॉर फाइन एंजॉयमेंट ऑफ मोटर ड्राइव नॉर द टेरर ऑफ द साइट ऑफ द ड्रैगन, ये दोनों झूठे हैं, उसको समझ में आता है। बोथ हैव बीन प्रूवन मियर ड्रीम्स, ये दोनों सिद्ध हो जाते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप हमको मालूम हो जाता है, अरे सपना है, ये तो भ्रम है। इसी बाहरी ज्ञान की, किसी के लेक्चर की, वार्ता की जरूरत अनुभव में आती है, ये लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। व्हाट दिस मीन्स इज दैट टू अलर्ट यू एंड ड्रॉ योर अटेंशन अवे फ्रॉम द एंजॉयबल ड्रीम ऑफ द मोटर ड्राइव विच रिप्रेजेंट्स ऑर्डिनरी संस्कारास, देयर अरोज द नेसेसिटी ऑफ दैट बिग ड्रैगन विच रिप्रेजेंट्स रिवर्स संस्कारास। इसलिए ये दोनों सपने हैं, ये सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि आपका ध्यान एंजॉयबल ड्रीम से, सुखकारी सपने से हटाकर जो हमारे सामान्य संस्कारों के कारण हमको दिखता है, उसके विपरीत यदि हमको एक जरूरत पड़ती है बहुत बड़े विशालकाय ड्रैगन की, जो रिवर्स संस्कारास, एक है सुलट संस्कारास और एक है अनवाइंडिंग वाले रिवर्स संस्कारास, ये रिवर्स संस्कारों की जरूरत पड़ती है। इन शॉर्ट देयर रियली इज नीड फॉर सम सच ड्रास्टिक मीन्स एज द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन इफ योर ऑर्डिनरी सुलट और सावला संस्कारास आर टू बी रिवर्स एंड इफ यू आर टू बी फ्रीड फ्रॉम देयर बाइंडिंग एज सुन एज पॉसिबल। यानी जितना जल्दी हो सके उतना ये सुलट संस्कारों से हमको मुक्ति पाना है, तो भयावह ऐसे उलट संस्कार हमारे बीच में हमें भोगने पड़ेंगे, तभी जाके ये बंधनों से हम छुटकारा पा सकते हैं। एंड हु इज द ड्रैगन आफ्टर ऑल, फिर ये महाकाय राक्षस जो हमको जगाएगा, उठाएगा हमारे सुस्ती से, उलट संस्कार हमको देगा, कौन है ये? बाबा बोलते हैं नो वन बट द गुरु। ये महाकाय राक्षस कौन है? तो गुरु है, हु इज एक्सपीरियंस्ड इन द रियल सेंस, उसको सही अनुभव है, एंड नॉलेजेबल इन हाउ टू रिवर्स एंड कैंसल आउट दिस ऑर्डिनरी संस्कार। ये जो उलट संस्कार करने हैं उसको उसका पूरा मालूम है, वो मास्टर है, ये आदमी को सीधा कैसे करना है, इसको सीधे संस्कार को नाश करने के लिए उल्टे संस्कार कैसे देने हैं, ये किसको मालूम है? एक निष्णात गुरु को, जो सदगुरु है, वो आपको ये नींद से जगाएगा। द एसोसिएशन एंड कंपनी संघ सहवास ऑफ सच ए गुरु एंड द ड्यूटीज दैट यू परफॉर्म अंडर हिज ऑर्डर्स एज यू ऑल आर डूइंग इवन नाउ विल अनेबल यू टू वाइप आउट एंड डिस्ट्रॉय योर संस्कारास एंड विल गिव यू ए स्ट्रॉन्ग पुश फॉरवर्ड टूवर्ड्स फर्दर एडवांसमेंट इन द पाथ ऑफ ट्रुथ। इसलिए ये सहवास जो है गुरु का, उसका संग जो है, और उसकी सुपरविजन में, देख रेख में हम यदि उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये हमारे पुराने संस्कार साफ करने के लिए, नाश करने के लिए के इतने मददगार होते हैं, और उसी कारण हम अपने आप, हमारी प्रगति सत्य के मार्ग की ओर हो जाती है। इसलिए सदगुरु का सहवास, उसका आज्ञा पालन महत्वपूर्ण है। सीक्रेट वर्क इज गोइंग ऑन हियर टू वेक यू ऑल अप फ्रॉम दिस ड्रीम स्टेट बाय शोइंग यू दिस ड्रैगन। बाबा खुद अपने आप दिखा के बोलते हैं कि आप पर मेरा ये गुप्त सीक्रेट कार्य चल रहा है, ये आपकी जो स्वप्नावस्था है उससे आपको जगाने के लिए, ये जो मैं ड्रैगन हूँ, खुद को ड्रैगन भी बोल दिया बाबा ने, राक्षस भी बोल दिया, ताकि श्रद्धा बढ़े, समझ बढ़े और बाबा के आज्ञा का पालन शब्दशः पूर्ण श्रद्धा के साथ हो जाए। उससे फायदा किसका होगा? जो मंडली जना है उसी का,
उनके पुराने सुलट संस्कार नष्ट हो जाएंगे और मुक्ति के मार्ग पर वो अग्रसर होते जाएंगे। हमारे लिए भी बाबा का यही संदेश है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। मिस्टर टोल, थैंक यू सो मच। सॉरी कि मैं शुरू में आपका इंट्रोडक्शन और वो सब नहीं कर पाई किसी कारणवश, उसकी इसके लिए जरूरत मैं नहीं है, बाबा का लेक्चर ही सभी के नहीं इंट्रोडक्शन हाँ दैट्स इज ओके। पर आपने छुट्टी लेकर ऑफिस से ये किया, इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी है। और सभी ग्रुप के मेंबर्स, बाबा, केतकी, मिस्टर टोल, सबके आभारी है। सब में बाबा है ही। आगे प्रार्थना के लिए मैं विनती करती हूँ। मिस्टर मेहर कुमार शर्मा देहरादून से है जुड़े हुए हमारे साथ में। मेहर कुमार जी, अवतार मेहर बाबा की जय। आप तीनों प्रेयर कर लेना और केत की आप आरती गाएगी। थैंक यू। जय बाबा। हे परवर्तिकार, सबके रखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और नहीं तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो। तुम शाश्वत और अनश्वर हो, तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनो और हृदयों के याता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के याता हो और तुम सैन ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य ज्ञान और परम आनंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो, तुम परब्रह्म हो, परात पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मज़्द हो और प्रेतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें
और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र ना बन जाएं, और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। पुझावे नार जहलतनी कर कुद रत्ने फरमा तू छेला दी आश भक्तों ने की बख्शे नूरे मातू अयामूर शर मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदा ना जात थी वाकिफ थई बैठो मेहर बातू तुझे माँ लिख की कतनो तू आशिक भी ने आरिफ भी तुझे दरी याए वैदत मारे फतनो तू ही पर सॉरी। जय बाबा मेहरा कंटिन्यू कर प्लीज। जय बाबा मेहरा। हमारे राम ने आये साले बाक्ष दे ज्ञान जतनु के तू पर मातमा ज्ञानी छने मु तारे ईर पातू खुदा ना प्रेम नो प्यालो पिलाई मस्त हमने कर तुझ पर जान सद के दीदे पयवा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें दरिए हमारा ना खुदा मेहर बाबा छेनी गे बातू हमारा ना खुदा मेहर बाबा छेनी गे बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्ने परमातू छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा। ज्यादा बाबा के ख्याल में डूब जाते हैं ऐसा होता है। जय बाबा जय बाबा आंटी। जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा हिंदू ताई जय बाबा। जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा काकू जय बाबा जय जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा सुरेखा आंटी जय बाबा जय बाबा पप्पू बोल रहा पप्पू हाँ हाँ जय बाबा जय बाबा
सबको जय बाबा जय बाबा जय बाबा. व्हिडिओ चालू ठेवा म्हटलं ती लॉक झाली चुकून म्हटलं मुकुंद व्हिडिओ तुमचा चालू ठेवून हा ते बोल रे जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय सगळ्यांना जय बाबा बाकी जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा मेहर कुमार. वो आज वीडियो ऑन नहीं हो रहा है इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ. थैंक यू आपने प्रेयर को दिया. थैंक यू बाबा. थैंक यू जय बाबा जय बाबा. थैंक यू जय बाबा. कीर्ति कीर्ति जय बाबा. ताई जय बाबा मी बंद करते आता कारण रेकॉर्डिंग पण चालू आहे ना. जय बाबा अवतार हो हो अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय.